हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से आज की ये लाइव क्लिनिक में आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, मौसम भी अजीब है, कुदरत भी हमारे साथ काफ़ी अजीब सा व्यवहार कर रही है। एक साइड कोरोना का केयर, कुछ समय पहले आपने देखा होगा तो दिल्ली में अर्थक्वेक के झटके, और अभी अहमदाबाद में, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ बाहर काफ़ी स्ट्रॉम चल रहा है, मतलब एक थंडर स्ट्रॉम चल रहा है, वावाजोड़ा आ रहा है, बारिश जो गुजरात में कभी में बारिश नहीं होती है वो बारिश शुरू हो गई है। और अभी मैंने प्रैक्टिस फुल फ्लेज शुरू नहीं किया है, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो पेशेंट को ज़रूरत होती है देखने की उनको ही मैं क्लिनिक में बुलाता हूँ। और ज़्यादातर सर्दी के केसेस में जब बारिश होती है तो मैं जो दवाई यूज़ करता हूँ वो डलका मारा है। सर्दी में लोगों को नाक बंद हो जाता है या नाक से पानी आता है, बारिश में भीगने की वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं, तो मैं डलका मारा यूज़ करता हूँ। एक और दवाई है जिसमें जॉइंट पेन होते हैं, बारिश में भीगने की वजह से, डैम वेदर की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, खास करके जॉइंट्स पेन, बुखार, कोल्ड, ये सब में मैं रेस्टोक्स भी यूज़ करता हूँ। तो ये सीजन की जो दो मेन मेडिसिन है, पर्टिकुलरली कोल्ड के लिए। कोल्ड की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज किसी को भी कोल्ड होता है, थोड़ी भी छींक आती है, थोड़ी भी सर्दी होती है, तो अपने आप को कोरोना का लक्षण वो महसूस करता है और उसकी वजह से काफ़ी रेस्टलेस हो जाता है पेशेंट। ये डॉक्टर को दिखाओ, वो डॉक्टर को दिखाओ, दिन में दो दो तीन तीन फ़ोन करके हमें परेशानी हो जाती है। और हम परेशान नहीं होते कि हम समझते हैं कि पेशेंट की क्या मनोदशा है, पेशेंट क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन काफ़ी पेशेंट व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर इसमें सजेस्ट करते हैं डलका मारा। अब लाइव क्लिनिक के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। नितिन कोकुला, सर इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए मेडिसिन सजेस्ट कीजिए। इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए कोई एक मेडिसिन नहीं होती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन ही लेनी होती है। फिर भी कई बार मैं नोजोल यूज़ करता हूँ। सपोज आपकी पास्ट हिस्ट्री में ट्यूबरक्यूलोसिस है, टीबी है, तो ट्यूबरक्यूलिनम यूज़ करता हूँ। अगर स्किन डिजीज और अस्थमा और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है आपको पास्ट में, या आप तो फैमिली हिस्ट्री में, तो मैं बेसिलिनम यूज़ करता हूँ, कार्सिनोसिन यूज़ करता हूँ, इस तरह के नोजोल यूज़ करता हूँ। तो वो नोजोल जो होते हैं वो कई बार इम्यूनिटी की, मतलब बॉडी में से जो उसकी इफ़ेक्ट्स होती है डिजीज़ की, उसको वो दूर करता है। लेकिन जो भी मेन मेडिसिन होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन होती है। तो जब भी किसी को प्रॉब्लम हो, इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन ही कोई अच्छा होम्योपैथ आपको बता सकता है। बॉबी सैम्युअल डॉक्टर, हेलो बॉबी सैम्युअल। दीप्ति भरतदास, हेलो डॉक्टर, आई एम 41 फीमेल, सफरिंग फ्रॉम डिस्पनिया सिंस 1 मंथ, कैन यू रेकमेंड एनी मेडिसिन? दीप्ति, आप 41 ईयर्स के फीमेल हो और डिस्पनिया मतलब ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होते हैं, और अगर आपको पहले कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ हो और अभी हुआ हो, तो हो सकता है कि एक रीज़न कोरोना का फियर और कोरोना के सिम्टम्स आप महसूस करते हो, ऐसा हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, और वैसे भी अभी की कोरोना की प्रिवेंटिव मेडिसिन है आर्सेनिकाल, और वैसे भी डिस्पनिया की मेडिसिन है आर्सेनिकाल। तो आई सजेस्ट कि आप आर्सेनिकाल 30 पोटेंसी में तीन गोली 3 बार हफ्ता 10 दिन लीजिए, उससे आपका डिस्पनिया में फर्क जरूर आ जाएगा। सुनील कुमार जोंडीला, सर सिर्फ से हेपेटाइटिस सी हो सकता है? देखो, हेपेटाइटिस अगर मेनली वायरल इन्फेक्शन होता है, तो अगर जॉन्डिस और हेपेटाइटिस अपने आप ठीक होता है, लेकिन एक लीवर को स्ट्रेंथ मिलता है, तो एज ए लीवर टॉनिक आप जोंडीला यूज कर सकते हो। और लीवर इसमें, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, मतलब उसके जो दवाई उसमें जो है, वो काफ़ी अच्छी लीवर की रेमेडी है, और उससे लीवर स्ट्रॉन्ग होता है।
तो नेचुरली कि वो हिपेटाइटिस में भी हेल्प करेगा। बॉबी सैमुअल, विल यू प्लीज टेल द यूज ऑफ नक्समिका 30C? बॉबी सैमुअल, नक्समिका बहुत सारे यूज में आती है, वो पॉलीक्रेस्ट होम्योपैथी की मेडिसिन है, लेकिन मेरा अलग से वीडियो भी है, वो भी देख लो। सबसे ज़्यादा उसका यूज पेट के प्रॉब्लम में होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में, जहाँ दिन में 3-4 बार स्टूल का अर्ज होता है, स्टूल जाने के बाद टेम्पररी आराम मिलता है। और नक्समिका पेशेंट काफ़ी फास्टिडियस होता है, मतलब उसको चीज़ें सही ऑर्डर में रखने का मन होता है, थोड़ा गुस्सा वाला भी होता है, जो वो चाहता है हु कैन कुक, मतलब काफ़ी एम्बिशियस पर्सन होता है, जो उसको चाहिए मतलब चाहिए ही, ऐसा उसकी बातें होती है। और जो लोग बहुत काम करते हैं अपने बिजनेस के पीछे, अपने पैसे कमाने के पीछे, जो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, रात रात भर जगते हैं, कॉफ़ी सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह की जिसको हैबिट होती है, और जिसकी एक्सरसाइज लाइफ में नहीं है, और खाना पीना भी बाहर का होटल का खाना, ये सब नक्समिका के सिम्टम्स है। नीलेश जैन, सर यदि सिम्टम्स डेफिशिएंसी से 60% ठीक तक मिल हो तो किसे पोटेंसी में लेना चाहिए? मैं बोलता हूँ नीलेश जैन, आप 200 से शुरू करो, 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार लो, उससे अच्छा लगे और ज़रूरत है तो पोटेंसी बढ़ाओ, 1 mm तक जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, हायर लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे एलोपैथिक में होता है कि हायर पोटेंसी में लिया तो अच्छा फ़ायदा हुआ, ऐसा होम्योपैथिक में नहीं है। होम्योपैथिक में जो पोटेंसी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वही पोटेंसी की दवाई लेने से ही हमें फ़ायदा होता है। इमरान, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट 55 मेल, यूरिन फ्लो लेस, डिजायर स्वीट मिल्क फिश हॉट फूड ड्रिंक गैस है। अगर हॉट फूड अच्छा लगता है और प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है तो एक लाइकोपोडियम सोच सकते हैं आप। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी की दवाई हफ्ते में एक डोज दीजिए, और सबल सेरोलेटा मदर टिंचर में क्यू फॉर्म में 10-10 बूंद दिन में 3 बार पानी के साथ देते रहिए, उससे आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन जो आप बता रहे हो गैस है और साथ में हॉट फूड के डिजायर है, वो लाइकोपोडियम के सिम्टम्स है, तो आप लाइकोपोडियम सोच सकते हैं। नितिन नरूला, बेस्ट मेडिसिन वेयर पर्सन गेट्स इरेक्शन वाइल स्लीपिंग बट वाइल इंटरकोर्स इट फेल्स, एसिड फोर्स 30 पोटेंसी। जमनवीर कौर, सीवियर इचिंग स्पेशली ड्यू टू अंडर गारमेंट्स ऑन इलास्टिक एरिया ऑन ब्रश स्ट्रेप एरिया अनटॉलरेबल इचिंग, फीमेल 42 ईयर्स, डायग्नोस बाय लाइकन सिंप्लेक्स क्रोनिकस, इचिंग में मेन प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि ये पेशेंट्स को ये जो इलास्टिक है उसकी एलर्जी हो सकती है, तो इलास्टिक अगर जितना अवॉइड हो सके इस तरह से कीजिए। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सल्फर 30 3 सुबह 3 शाम एक हफ्ता तक लीजिए, उससे उसमें काफ़ी फर्क आएगा, उसका इचिंग भी चला जाएगा। और वहाँ कुछ ऑयली अप्लाई कर सकते हैं, या तो कोई पाउडर वगैरह भी पहनने के पहले यूज़ कर सकते हैं। इमरान, गोल्ड ब्लेडर स्टोन छोटा सिंस 8 मंथ, कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, डिजायर मीट फिश बिटर स्पाइसी फूड। देखो, गोल्ड ब्लेडर स्टोन अगर पड़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। अगर पेन नहीं कर रहा है तो आप वेट भी कर सकते हो। और कोलेस्ट्रिनम 3X जो ट्राइचुरेशन मेडिसिन है, कोलेस्ट्रिनम 3X वो एक एक गोली 3 बार काफ़ी लंबा समय तक दीजिए, तो हो सकता है कि उसे स्टोन चला भी जाए। श्रीराम, एसिडिटी माटे, श्रीराम एसिडिटी के लिए रोबिनिया 30 एंड नेट्रम फोस 30 दोनों में से 3-3 गोली 3 बार लेने से एसिडिटी में राहत मिलेगी। जितेंद्र कुमार, सर प्लीज योर कॉन्टेक्ट एड्रेस एंड टाइमिंग। मेरे हर एक वीडियो के पीछे मेरे वेबसाइट वगैरह का है और मेरा नंबर भी है,
मैं अहमदाबाद गुजरात से प्रैक्टिस करता हूँ और बोड़कदेव एरिया और नवरंगपुर एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। वो भी टाइमिंग फिक्स नहीं है, अभी सिर्फ अपॉइंटमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, वैसे ही पेशेंट को मैं देखता हूँ। टेक्निकल मराठी सर, मुझे एक साल से नाक बंद की समस्या है, बहुत दवाइयाँ खाई है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या करूँ? आप एक बार ENT से जांच करवा लीजिए, हो सकता है कि आपको नाक में मस्से हो, नेजल पोलाइप्स बोल रहे हैं, या तो आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, या तो एलर्जी की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले आप डायग्नोसिस करवाइए कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, और डलका मारा 30 या अमोनियम कार्ब 30 आप दवाई लीजिए। अमोनियम कार्ब 30 भी बहुत अच्छी दवाई है, जो जो नाक बंद होता है उसमें अच्छे से हेल्प करती है। सौम्य पाठक सर, नोज पे लाइन बन गया है, पिगमेंटेशन है, क्रीम लगाने से और बट रहा है, प्लीज़। I am 25 years old। ओह, आपकी काफ़ी, सौम्य पाठक, आपकी काफ़ी छोटी है और आपको नाक में यहाँ पिगमेंटेशन हो रहा है। उसके लिए स्पेसिफिक दवाई तो नहीं है, लेकिन आप कुछ जो भी कर रहे हो साथ में बर्बेरी एक्विफोलियम यूज़ कीजिए। बर्बेरी एक्विफोलियम मदर टिंचर में BAQ 10-10 बूंद 3 बार, उसमें पिगमेंटेशन में फ़र्क पड़ेगा। दीपक कुमार, ब्रायोनिया कोविड प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं क्या? प्रिवेंशन के लिए अभी आर्सेनिक काल भी चला है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूजन मत कीजिए। फिर भी ब्रायोनिया के सिम्टम्स हो, प्यास ज़्यादा लग रही हो, बुखार वगैरह हो, साथ में बॉडी एक हो, तो ज़रूर आप दे सकते हैं। बाकी प्रिवेंशन के लिए मैं ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ लोगों को, और आर्सेनिकाल, कैम्फर, ये सब के बीच कन्फ्यूज़न है ही है, इन्फ्लुएंजा के लिए कन्फ्यूज़न है। तो मैं कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने एक डिसाइड किया है जो बात, उसको ज़्यादा डिस्कस करके, ज़्यादा ये करके कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहिए। गुरदीश कौर, डॉक्टर जी लेग फुल में दर्द है, स्पीड बढ़ा है। गुरदीप कौर, ये साइटिका के लक्षण है, और साइटिका में आपने लिखा नहीं है राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेकिन कोलोसिन 30 और मैकफॉस 30 3-3 गोली 3 बार लीजिए, लेकिन साथ में एक्सरसाइज कीजिए। जो फिजियोथेरापिस्ट बताए वो एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, हैवी वेट नहीं उठाइए, पीछे जर्क नहीं लगे ऐसा ध्यान रखिए, और अगर ज़रूरत हो तो कैल्शियम, विटामिन D3 वो अगर कम हो तो उसकी भी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। श्रीराम, एलोपेशिया शिकारत क्या की मेडिसिन? एलोपेशिया में बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन फॉस्फोरस 30 3-3 गोली 3 बार एक आध महीने के लिए लीजिए, उससे एलोपेशिया में फ़र्क पड़ेगा। अरुण कोरी सर, क्या यूरेट्रल स्ट्रिक्चर से ठीक हो सकता है? मेरे सोनोग्राफी में PVRU 6608 cc बता रहा है। अरुण कोरी जी, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं यूरेट्रल स्ट्रिक्चर में, और अगर और कोई ट्रीटमेंट नहीं किया तो होम्योपैथिक शुरू करना चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक में तो ये लोग बताएंगे कि आपको हर हफ्ते या हर रोज ऐसे वो जो प्रोब आता है वो डायलेटर वो डाल के डायलेट करना पड़ेगा। तो आई सजेस्ट कि होम्योपैथिक ले सकते हैं। क्लेमेटिस 30 पोटेंसी बहुत अच्छी दवाई है, पेट्रोलियम है वो भी काफ़ी अच्छी दवाई है, बहुत सारी दवाइयां हैं होम्योपैथिक में स्ट्रिक्चर के लिए, और स्ट्रिक्चर क्यों हुआ वो रीज़न भी हमें जानना पड़ेगा। नितिन नरोला सर, बेस्ट मेडिसिन फॉर सीवियर लो बैक पेन, एस्क्यूलस हिप 30 पोटेंसी और कालिका 200 पोटेंसी में, कालिका 200 3 सुबह 3 शाम लेने से बैक एक ठीक हो जाएगा। कुमारी मनीषा सर, मेरी मम्मी को कफ की प्रॉब्लम है, और जब भी सब्जी को फ्राई या मिर्च जलने की स्मेल लगती है तो बहुत खांसी आने लगती है, और कफ भी फॉर्म करता है, कर जाता है गले में। तो मेनली आपकी मम्मी को, मनीषा जी,
एलर्जी है स्मोक की, तो स्मोक की वजह से उनको खांसी आती है, तो हो सके तो जब भी उनको ये धुआं वगैरह का फेस करना हो तो या तो मास्क वगैरह पहने, कुछ सिर पे कवर करके काम करें तो शायद उनको फ़ायदा होगा। और दवाई मैं बता रहा हूँ कि सोलेनम लाइकरपस 30 पोटेंसी और स्पोंजिया 30 पोटेंसी, वो लेने से उनको खांसी में आराम मिलेगा। संजीत कुमार सर, मुझे भूख बराबर लग जाती है, भूख बार बार लग जाती है। संजीत कुमार, बार बार भूख लगती है तो आपको देखना पड़ेगी, आपको डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, जांच करवा लीजिए। डायबिटीज़ में भी बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, डायबिटीज़ के लक्षण है। तो एक बार आप जांच करवा लीजिए कि डायबिटीज़ को नहीं है। और दूसरा कि भूख लगती है तो वम्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े में वम्स नहीं होते हैं, वम्स का भी एक रीज़न हो सकता है। तो आप, मैं बोलता हूँ एक बार सल्फर 200 के डोज हफ्ते में 3 बार, मतलब मंगलवार गुरु और शनिवार सुबह में 4-4 गोली हफ्ते में 3 बार, ऐसे 2 हफ्ते तक रिपीट कीजिए, शायद उससे आपके प्रॉब्लम्स हो जाएगा। दिवाकर, नमस्कार सर, एलोपैथिक में एबॉर्शन किट आता है, उसी तरह होम्योपैथिक मेडिसिन हो तो बताइए। होम्योपैथिक एबनॉर्मल को नॉर्मल करता है, नॉर्मल को एबनॉर्मल कभी नहीं करता है, तो एबॉर्शन किट होम्योपैथिक में नहीं आती है। विक्रम सिंह राव, रवि कुमार, विक्रम सिंह आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं रहा हूँ। डॉक्टर जी, HSV 1.2 IgG 30 पॉजिटिव है HSV, लेकिन आप सिम्टम्स तो बताइए, क्या प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम्स है? आप हर वक्त रिपोर्ट भेजते हो, रिपोर्ट से कैसे पता चलेगा? रवि कुमार, हेलो सर, मेरी उम्र 25 साल है, मेरी हड्डियों में 5 साल से दर्द है, मेरी हाइट 5-6 इंच है, मेरा वेट 65 है, वेट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, और एडियो में दर्द है, रस्ट्रोक 30 और कैलकेरिया फ्लोर 30 लीजिए, और घर में भी स्लीपर पेन नहीं कर रखिए, एडी वाले शूज़ पहन रहे हो तो अवॉइड कीजिए। उष्मा शाह सर, अपन दोस्त और दोत रोग के दवा बताइए सर। स्वप्न दोष और दांत रोग के दवा, स्वप्न दोष की दवाई बताइए। स्वप्न दोष की दवाई पूछ रहे हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि एसिड फोर्स 30 पोटेंसी में 3 सुबह 3 शाम 10 दिन लीजिए, उससे फायदा मिलेगा। नॉलेज अड्डा, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन की दवाई बताइए। मेमोरी और कंसंट्रेशन के लिए एनाकार्डियम एक अच्छी दवाई है, बहुत लो मेमोरी है तो बैराटा कार्प सोच सकते हैं, और एक दवाई है एथुजा, एनाकार्डियम और बैराटा कार्प, ये सब 3 दवाई में से कोई एक सिलेक्ट करके आप ले सकते हैं। दिनेश मनी तिवारी सर, एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक ले सकते हैं? देखो, कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तो हम उनको वो दवाई बंद नहीं करवाते हैं, लेकिन अगर एक ही प्रॉब्लम के लिए दोनों दवाई ले रहे हैं, सपोज उनको एलर्जी का प्रॉब्लम है और हमारी दवाई ले रहे हैं, तो ऐसा कोई फर्क ज़रूरत नहीं है। स्किन में सिम्टम्स है और वो लोग कोई ऑइंटमेंट लगा रहे हैं तो हमें ऑइंटमेंट अवॉइड करने की सलाह करते हैं, उस समय एलोपैथिक और होम्योपैथिक साथ नहीं चल सकते, बाकी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल होम्योपैथिक देना है तो एलोपैथिक बंद ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इमरान, 20 ईयर्स पहले अटीकेरिया हुआ था, अब ठंडा पानी में नहाने से अस्थमा हो गया, गर्मी में ही हॉट वाटर से नहाता हूँ, सांस लेने की से प्रॉब्लम होता है, कप के साथ ऑफेंसिव स्टिकी डिस्चार्ज 55 ml। तो पहले उनको अटीकेरिया था और अभी सांस का प्रॉब्लम हो गया, कफ का प्रॉब्लम हो गया है,
और ऑफेंसिव स्टिकी शायद निकल रहा है, तो आप शुरुआत बेसिलिनम से कीजिए, बेसिलिनम 1 mg का 1 डोज लीजिए, और बाद में अगर अभी अर्टिकेरिया हो नहीं रहा है तो अर्टिकेरिया को भूल जाओ, अब आप अस्थमा को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। लेकिन इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि कब अस्थमा का सिम्टम्स आते हैं, मतलब कौन से टाइम पे आपको खांसी आती है, अस्थमा होता है, थोड़े और सिम्टम्स बताइए। आपने बहुत अच्छा बताया कि कब स्टिकी ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है, ठंडे पानी से नहाने से अगर प्रॉब्लम हुआ है तो आप हेपार्सल 30 पोटेंसी ट्राई करके देख सकते हैं, बेसिलिनम का 1 mg का 1 डोज लीजिए और 1 हफ्ते के बाद हेपार्सल 30 पोटेंसी 3 गोली 3 बार लीजिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। सरोज नायक, हाय सर, आई एम सफरिंग ऑक्सीपिटल रीजन पेन अलॉन्ग विथ आईज पेन आफ्टर हेड बाथ और सीजन और वेदर चेंज फ्रॉम 4 ईयर्स नाउ, प्लीज सजेस्ट सम मेडिसिन। ऑक्सीपिटल रीजन से आईज में पेन आता है और जब सीजन चेंज होती है तब होता है। मैं सजेस्ट करूंगा आप एक बार बेलाडोना से शुरू कीजिए, बेलाडोना 30 पोटेंसी 3 गोली 3 बार, और फिर और सिम्टम्स के हिसाब से उससे कैसा रहता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी पेन हो तो अब आप 30 पोटेंसी में 3 गोली 3 बार लीजिए। राजू चलवाड़ी, सर म्यूकोसल में कोई इफेक्टिव मेडिसिन है? डेंटिस्ट हैज सजेस्टेड सर्जरी फॉर वन ऑफ ग्लैंड ऑब्स्ट्रक्शन, प्लीज एडवाइज एंड फॉर हाउ लॉन्ग डू आई टेक मेडिसिन फॉर कंप्लीट क्योर? म्यूकोसिल में कोई है लेकिन क्या प्रॉब्लम है, आप सिम्टम्स बताइए। डिजीज के नाम से दवाई नहीं होती है, आप सिम्टम्स बताइए। है डेंटल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी दवाई है, मर्कसोल वगैरह है और काफ़ी दवाइयाँ हैं, लेकिन सिम्टम्स क्या है? कार्बोवेज है, मर्कसोल है, क्रियोसोट है, स्टेफिस एग्रिया है, बहुत सारी दवाइयाँ मुंह गम्स दांत पे इफेक्ट करती है। जसमवीर कौर, थैंक यू सर, थैंक यू जसमवीर। दयाशंकर जयसवाल, प्रणाम सर, हेलो दयाशंकर, कैसे हो? हेलो हेलो, मुझे सर, मुझे 6 मंथ से रिकरेंट बॉयल के प्रॉब्लम इन बटक्स एंड लेग। आप सल्फर 200 पोटेंसी में हफ्ते में 2 बार लीजिए और इचिनेशिया क्यू, इचिनेशिया मदर टिंचर 10 बूंद दिन में 3 बार पानी के साथ लीजिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। बॉयल्स जो रिकरेंट हो रहे हैं उसमें काफ़ी फायदा मिलेगा। रवि कुमार, हेलो सर, मेरी उम्र 25 साल है, मैं ऑडियो में से 5 साल से दर्द है, मेरी हाइट ये आप रवि कुमार, आपका क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। जसमवीर कौर, सर सजेस्ट बुक और टिप्स फॉर बिगिनर्स ऑफ होम्योपैथी, हाउ कैन इजीली सिलेक्ट मेडिसिन? जसमवीर, जो बेसिक बुक है होम्योपैथी की, एलेंस की नोट से आप शुरू कीजिए, और बोरिक्स और फाटक मटेरिया, ये 3 बुक ऐसी है कि जो बिगिनर को हेल्प करेगा। और एक कुछ वीडियो देखिए आप, मेरे वीडियो है और भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे होम्योपैथी के वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है कि जो मेडिसिन का बहुत अच्छे से आइडिया देते हैं, तो उस तरह से आप वीडियो देखिए। वीडियो देखने से, अच्छे डॉक्टर्स के वीडियो देखने से आपको मेडिसिन का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। और पढ़ाई करनी हो तो मैंने बोला एलेंस की नॉट, बोरिक मटेरिया मेडिका, फाटक मटेरिया मेडिका, इससे आप शुरुआत कीजिए। बाद में आप कैंट मटेरिया मेडिका पढ़िए, साथ में होम्योपैथी के जो प्रिंसिपल्स है, ऑर्गेनॉन वगैरह, उसका आप नॉलेज गेन कीजिए, तो आपको काफ़ी उससे हेल्प रहेगी। हेलानी आरिफ, एलर्जिक राइनाइटिस के लिए दवा बताइए। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन जो मैं पहले सजेस्ट करता हूँ एलियम सेपा, एलियम सेपा 30 पोटेंसी। एक और मेडिसिन है अरुंडो, अरुंडो और अमराश अमरोशिया, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है हे फीवर के लिए। दूसरा कि जब पैलेट में इचिंग होता है
उसके लिए और एलर्जी के लिए वायथिया मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथिक में एलर्जी राइनाइटिस के लिए। राजू चलवाड़ी, किलोइड के लिए कोई इफेक्टिव मेडिसिन? सफरिंग सिंस लास्ट वन ईयर बट नॉट बिग इनफ ऑन चेस्ट, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1 सेंटीमीटर। सिलिशिया 30 पोटेंसी एंड थियोसिनिनम 6x। थियोसिनिनम 6x एक एक गोली 3 बार जो ट्रैचुरेशन में है, और सिलिशिया भी आप 200 पोटेंसी में हफ्ते में 2 बार कुछ लंबे समय तक लीजिए तो किलोइड बढ़ेगा नहीं। और मुझे इतने बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं किलोइड्स में, लेकिन आप ट्राई करके देखिए। नॉलेज अड्डा, मेडिसिन फॉर टाइट जेनिटल विदाउट एनी रॉन्ग सेक्सुअल थॉट ड्यूरिंग होल नाइट? मुझे आइडिया नहीं है आपके क्वेश्चन का, मैं देख के रखूँगा, नेक्स्ट टाइम आपको दवाई दे रिप्लाई दे सकता हूँ। दया शंकर, सर मेरे बच्चा 9 ईयर है, गर्मी आते ही पूरे बॉडी में फोड़ा, फुंसी प्लस पस प्लस इचिंग। अभी मैंने किसी को रिप्लाई किया, वो रिप्लाई आप भी, आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है। सिलिशिया 200 पोटेंसी हफ्ते में 1 बार, और इचिनेशिया मदर टिंचर 30 पोटेंसी, इचिनेशिया मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार पानी के साथ दीजिए। 9 ईयर का बच्चा है तो 5-5 बूंद 3 बार दीजिए, और सिलिशिया 200 पोटेंसी हफ्ते में 1 बार। रूपी संधु, हेलो सर, मेरे बैक हेड में हैवीनेस और राइट आई में हैवीनेस रहता है, सैडनेस भी रहती है, ये पीछे 7-8 साल से हो रहा है। रूपी संधु, क्यों उदास रहते हो, क्या ऐसे प्रॉब्लम है? आपके प्रॉब्लम शेयर करो और ब्लड प्रेशर चेक करो कि आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, और आप नेट्रमूर मदर टिंचर, नेट्रमूर 30 पोटेंसी 3-3 गोली 3 बार लीजिए, उससे आपकी हैवीनेस, सिर की और आंखों की हैवीनेस में काफ़ी फायदा मिलेगा। इमरान, ओनली राइट टॉन्सिल इनलार्ज पेन, म्यूकस का स्पूटम आता है, पेन एग्रावेट नाइट, डिजायर मीट फिश, थर्स्टलेस, स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, फियर ऑफ स्नेक। इमरान, आपका लेफ्ट साइड में है ना, राइट साइड में है, तो मर्क आयोडाइड फ्लेवम 30 पोटेंसी में 3-3 गोली 3 बार लीजिए, उससे टॉन्सिल में काफ़ी आराम मिल जाएगा। विश्वनाथ विसल्लम, डीप स्लीप रेमेडी फॉर 78 ईयर्स ओल्ड, पैसिफ्लोरा मदर टिंचर 10-10 बूंद 3 बार, साथ में कालिक फॉस 6x 3-3 गोली 3 बार। मिंटू कुमार शाह, मेरी दादी को नी जॉइंट में पेन रहता है 1 ईयर से, इसके लिए कोई मेडिसिन दे सर? आप रूटा 30 एंड रस्टॉक्स 30 दोनों में से 3-3 गोली 3 बार कुछ समय तक दीजिए, साथ में कैल्शियम और विटामिन D3 की भी दवाई दीजिए, उससे भी आपको फायदा होगा। अजय छोटाला, सर मम्मी सिलाई मशीन चलाती है बट लॉकडाउन के कारण मशीन बंद है, कुर्सी पे बैठना मतलब ये पेशेंट टेलरिंग का काम करता है और अभी उनको बैकएक हुआ है, तो बैकएक के लिए वो मेडिसिन मांगते हैं, तो आर्निका 30 3-3 गोली 3 बार कुछ लंबे समय तक दीजिए, आर्निका 30 और प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए। राजू चलवानी, टॉन्सिलाइटिस है लेफ्ट साइड में सिंस ईयर, नो पेन एट बट एनलार्ज एट टाइम्स, वॉन्ट्स टू कम्प्लीट क्योर फॉर दिस सो दैट इट डज नॉट अकर अगेन।
राजू चलवा दी और सिम्टम्स बताइए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन ही देना पड़ेगा क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिकरेंट रोकने के लिए आपको दवाई चाहिए। तो नितिन नरोला जी, सॉरी, कैन वी टेक अर्जेंटम नाइटिकम फॉर नाउ डेज स्ट्रेस फॉर जॉब? यस, आप ले सकते हैं अगर पेशेंट एंग्जियस हो, एंग्जाइटी वाला हो, हरीड पेशेंट हो, बन जगह का डर लगता हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उसके बाद ये लाइव क्लिनिक यहाँ ही ख़त्म करूँगा। जीतेश कश्यप, माउथ में छाले हैं, बहुत दर्द है खाने में भी और खाना जा रहा है, बेस्ट मेडिसिन बताओ। नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी, नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी, तीन तीन गोली तीन बार, उससे आपके दर्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, मनोज निमांकर सर, नाक बहते रहता है, एलियम सेपा ले लीजिए। थैंक यू सरोज नायक जी, थैंक यू, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। होप्स कि आपको आज का ये लाइव क्लिनिक पसंद आया होगा। बहुत अच्छा वेदर बाहर है, बाहर बारिश भी गिर रही है, और मैं चाहता हूँ कि बस ये लाइव क्लिनिक ख़त्म करके नेचर को एंजॉय करूँ। गुड नाइट, शुक्रिया, जय हिंद, जय होम्योपैथी।